बॉलीवुड के गली बॉय यानी रणवीर सिंह की बात करें तो रणवीर सिंह इस वक्त जो है सातवें आसमान पर हैं, बिकॉज रणवीर सिंह की जो मूवी है गली बॉय रिसेंटली ऑस्कर के लिए नॉमिनेट की गई है इंडिया की तरफ से। वहीं अगर हम बात करें रणवीर सिंह की तो रणवीर सिंह के पास इस वक्त बड़ी मूवीज हैं, यानी कि वो कबीर खान की मूवी 83 में भी हमें नजर आने वाले हैं। 83 अपने आप में एक बहुत बड़ी मूवी है क्योंकि रणवीर सिंह इसमें कपिल देव का किरदार निभाने वाले हैं। वहीं अगर हम रणवीर सिंह की बात करें तो उनके फैंस के लिए एक और खुशखबरी जो है हमारे सामने आ चुकी है। जी हाँ, गली बॉय के डायरेक्टर जोया अख्तर ने रिसेंटली ये अनाउंस कर दिया है कि वो गली बॉय का सेकंड पार्ट जरूर लेके आएंगी। गली बॉय के सेकंड पार्ट की खास बात ये होगी कि जैसे कि हमने गली बॉय में गली के रैपर की स्टोरी देखी, गली बॉय के सेकंड पार्ट में हम गली के गैंगस्टर की स्टोरी देखेंगे, यानी रणवीर सिंह उस मूवी में रैपर की जगह हमें गैंगस्टर बनते हुए दिखाई देंगे। एक्साइटमेंट ये बात की भी है कि रणवीर सिंह की लुक्स कैसी होंगी इस फिल्म में और रणवीर सिंह कैसे नजर आएंगे उस फिल्म में। वहीं अगर हम बात करें गली बॉय फिल्म की तो गली बॉय फिल्म इस साल 14 फरवरी यानी वैलेंटाइंस डे वाले दिन रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा परफॉर्म किया। इस फिल्म में रणवीर सिंह के साथ साथ हमें आलिया भट्ट भी नजर आई और रणवीर सिंह और आलिया भट्ट के साथ साथ सिद्धांत चतुर्वेदी भी फिल्म में नजर आए, जिनकी परफॉर्मेंस की भी काफी तारीफें हुई। इसके बाद बात करें फिल्म की डायरेक्शन की तो जोया अख्तर ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था और प्रोड्यूस किया था फरहान अख्तर ने। और अब गली बॉय का सेकंड पार्ट आ रहा है, हमें उम्मीद है कि जोया अख्तर इस बार भी कुछ अच्छा बनाएंगी। और अब देखना यह भी इंटरेस्टिंग रहेगा कि जोया अख्तर जो है इस फिल्म की शूटिंग कब से स्टार्ट करती है और ये फिल्म जब बनकर आती है तो बॉक्स ऑफिस पर गली बॉय फिल्म जैसा परफॉर्म करती है या नहीं।